नमस्कार मित्रों, आचार्य विनोद भरद्वाज आज माता कात्यायनी के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि माता कात्यायनी सौभाग्यता की देवी है। माता कात्यायनी के पूजन से मिलता है अभय वरदान और स्त्रियों का अखंड सौभाग्य का वरदान। जो स्त्रियां सौभाग्यशालिनी अपने आप को बनाना चाहती है, माता कात्यायनी की शरण उनके जीवन के लिए समृद्धि दे सकती है, उनके पति को लंबी आयु का आशीर्वाद दे सकती है। तो माता कात्यायनी के बारे में आज जानते हैं। परम अंबिका जगदम्बिका माता कात्यायनी हर स्त्रियों को सौभाग्यता प्राप्त कराए, इनके बारे में आज हम आपसे कुछ विशेष चर्चा करेंगे। इनके पूजन के लिए की पूरी जानकारी आपको दे। माता कात्यायनी का पूजन कैसे किया जाए, इस विषय की जानकारी देता हूँ। लेकिन पहले मैं जानकारी देता हूँ कि माता कात्यायनी को कात्यायनी नाम कैसे मिला। एक कात्यायन ऋषि थे। कात्यायन ऋषि ने पुत्री की प्राप्ति के लिए, अर्थात माता को अपने घर में अपनी पुत्री बनाने के लिए कठिन तपस्या किया। आज भी सौभाग्यता माना जाता है, जिस कोख में पुत्री उत्पन्न होती है वो कोख पवित्र हो जाता है। इसलिए स्त्री शक्ति को बारंबार वंदना, जो समस्त स्त्रियों को मेरा प्रणाम नवरात्रि के इस मंगलमयी बेला में। तो जो माता कात्यायनी का नाम कात्यायन ऋषि के नाम पे पड़ा, उनकी पुत्री होने के लिए। माता का जो वास्तविक स्वरूप है बहुत अद्वितीय है। आभा छठा माता की बहुत कांतिमय है। मंद मंद मुस्काती हुई माता, एक हाथ माता का बरद मुद्रा में, अर्थात जो अभय मुद्रा में होता है कि हे पुत्र हे पुत्री, तेरे जीवन में मैं सौभाग्यता का आशीर्वाद देती हूँ। दूसरा हाथ जो है आशीर्वाद मुद्रा में है कि हर प्रकार से समृद्धि का भी आशीर्वाद रहे, अर्थात जो है पति की लंबी उम्र मिलने का एक हाथ अभय मुद्रा, जब ताकि आपका जीवन साथी अधिक समय आपके साथ तक रहे, आप सौभाग्यशालिनी रहें। दूसरे हाथ से धन समृद्धि की बरसात कराती है माता कात्यायनी। इनका पूजन कैसे करें? माता कात्यायनी का पूजन बहुत ही आवश्यक है। इनके पूजन के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। प्रातःकालीन उठ करके स्नान करें। स्नान करके ओम माँ कात्यायन्यै नमः इस मंत्र का पाठ कर लें। इस मंत्र का पाठ करके माता को खीर का भोग बहुत प्रिय है। पूजा करने के पहले सुंदर दूध की खीर बनाएं और माता कात्यायनी को भोग लगाएं, और फल में माता कात्यायनी को सेब का भोग अगर जो लगाते हैं तो माता कात्यायनी प्रसन्न हो जाती है। तो अगर आपको भोजन लगाना है, सुंदर खीर अर्पण करो, क्योंकि पयस माता को बहुत प्रिय है। फल अगर अर्पण करना है तो सुंदर फल माता को अर्पण करें। माता आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगी। जो स्त्रियां या जो बच्चियां जिनका विवाह होने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, वो कात्यायनी मंत्र का इस दिन पाठ करें। निश्चित रूप से माता कात्यायनी का अभय मुद्रा अभय वरद हस्त उनके सर पे आएगा और आपके जीवन में अच्छा पति आपको प्राप्त होगा, सुंदर विवाह संपन्न होगा। जिन स्त्रियों का विवाह हो गया है वो भी माता कात्यायनी के पूजन करने से निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशालिनी पाती है। ये माता कात्यायनी का महात्मा है। कात्यायनी का पूजन सुंदर मन सुंदर हृदय से करने से निश्चित रूप से हर प्रकार से हर फल की प्राप्ति होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद।